गिनती की पुस्तक अध्याय एक, गिनती की पुस्तक अध्याय एक, इसराइलियों की गिनती। इसराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इसराइली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये है, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलिसूर, शिमोन के गोत्र में से शूरी शद्दै का पुत्र शलुमियेल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सुवार का पुत्र नतनेल, जुबलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र अलियाब, यूसुफ वंशियों में से ये है, अर्थात एप्रेम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलिशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासुर का पुत्र गमलियेल, बिन्यामिन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबिदान, दान के गोत्र में से अम्मीशय का पुत्र अहियेजेर, आशेर के गोत्र में से अक्रोन का पुत्र पगियेल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहिरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए हैं, ये वही है, और ये इसराइलियों के हजारों के मुख्य पुरुष थे। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे गए हैं, उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इसराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली दिखवाई, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इसराइल के पहले उठे रूबेन के वंश ने जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। और शिमोन के वंश के लोग जितने लोग पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के वंश के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। और यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। और इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष
54,400 थे और जुबलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और जुबलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे और यूसुफ के वंश में से एप्रेम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और एप्रेम के गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे और मनुष्य के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और मनुष्य के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे और दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे और आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इसराइली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 603,550 थे। इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवीय गोत्र की गिनती इसराइलियों के संग न करना, परंतु लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उनके कुल सामान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवीय उसको गिरा दे और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करे और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए और इसराइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तंबू ही की चारों ओर खड़े किया करे, कहीं ऐसा न हो कि इसराइलियों की मंडली पर कोप भड़के और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी इसराइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया।